हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर सीरीज माय फ्रेंड्स। इस सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है? वेल इन शॉर्ट, ये वाली ट्रैवल सीरीज वाज बोथ वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैवल सीरीज ऑफ माय लाइफ। कैसे? वैसे निकले तो थे हम जंस्कार घूमने के लिए, लेकिन जैसे जिंदगी में कल क्या होने वाला है आपको भी नहीं पता, वैसे ये ट्रिप थोड़ी बहुत जिंदगी की तरह ही था। निकले थे हम जंस्कार घूमने और कुछ लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की तरह इस ट्रिप में भी आए कुछ अप्स एंड डाउन्स। मजे तो हम खूब किए, स्ट्रगल भी कम नहीं था, लेकिन खराब मोमेंट को छोड़ के उसके पहले और उसके बाद में इट वॉज ए ट्रिप वेल डन। बस प्लान मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ सही हुआ, क्योंकि इस ट्रिप में बहुत मजा आया। बस एक बात तो है यार, अगर दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ बुराई करने का कोशिश करे तो उसका बुराई करके तुमको फायदा नहीं है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे सामने है, बस खुद चुन लो। वापस मोड़ के मत देखो और ठीक इस ट्रिप की तरह जिंदगी का मजा उठाते रहो। गणपति बप्पा मौर्या। और पिछले एपिसोड में हम लोग स्टार्ट तो किए थे दिल्ली से, लेकिन बहुत तेज बारिश की वजह से स्टार्ट करने में काफी देर हो गया। उसके ऊपर हाईवे पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम, हाईवे छोड़ के गांव के बीच में से हम लोगों को निकलना पड़ा। एनीवे, सफर है तो थोड़ी बहुत ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें तो होती रहेंगी, और जितना जल्दी हो सके हम लोग हाईवे क्रॉस करके पहाड़ों की तरफ आ पहुंचे। क्या नज़ारा था यार, 2-3 दिन ड्राइव और राइड करने के बाद जो पहाड़ों का दर्शन मिला ना, दिल खुश हो गया। लेकिन भाई साहब, मनाली पहुंचते पहुंचते इट वॉज वे पास्ट मिडनाइट। एनीवेज, रास्ते पे कुछ दोस्त भी बनाए और मनाली पहुंच के हम लोग मिले विद द लार्जर पार्ट ऑफ द बाइकर्स ग्रुप, जो कि कोलकाता से ट्रेन में आए थे। एंड द नेक्स्ट डे वी हैड अ वंडरफुल व्यू फ्रॉम द होटल, और रत्नदीप ने डिटेल में बयां किया बाइकर्स की कहानी कोलकाता से मनाली तक 3 दिन में कैसे कवर किया जाए। वैसे आज तो ग्रुप में पहले ही दिन है, 10 लोगों के साथ। टाइम हो गया है 11:40, वी आर 40 मिनट्स ऑफ शेड्यूल, जो कि टाइम के अंदर होना चाहिए था। पहला दिन होता है ऐसा प्रिपेयर करने में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे साथ जो जावा आया है कालका मेल से, वो जावा ठीक ठाक से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी सब बिग इशू। दूसरी बात यह है कि जावा का जो O2 सेंसर है, उसमें जावा का जो AFI मॉड्यूल है उसमें O2 सेंसर नहीं है, जैसे कि थंडरबर्ड जैसा है। तो हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है, आगे तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ओ माय गॉड, जितना बड़ा ग्रुप है उतना ही मुश्किल है, मतलब सब कुछ कोऑर्डिनेट करके निकलना। फिर भी 8 लोग निकल पाए, 2 लोग अभी भी निकल नहीं पाए। सो अभी टाइम हुआ है 1:12 PM, मैन 11 बजे हम लोग मनाली से निकल रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू जिस्पा। जिस्पा पहुँचते पहुँचते कम से कम मेरे अंदाजे से 5 बजने वाला है। आई एम श्योर मैं और दीप तो 5 बजे के अंदर आराम से पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकियों का पता नहीं। विक्रम साहिल का जावा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, जो कि मैकेनिक देख के बताया फ्यूल की वजह से हो रहा है, और कुछ नहीं। बाकी विक्रम तो अभी तक लगेज भी नहीं लोड कर पाया, तो आई एम रियली वंडरिंग मतलब कैसे वो लोग आएंगे। और मेरे साथ ट्रिप पे जाने से पहले हमेशा मैं कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ जहाँ पे ऑल डिटेल्स आर गिवन, कितना किलोमीटर कहाँ पे जेरिकन लेना है, क्या क्या लेना है वगैरह वगैरह, सब कुछ दिया हुआ है। बट देन यू नीड टू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट वंस। सो बहुतों ने इग्नोर किया, और जेरिकन वगैरह जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नहीं लिया। सो या दैट इज समथिंग दैट शुड बी डन, शुड बी टेकन अलॉन्ग। ठीक है, चलो अभी मनाली का हसीन नज़ारे थोड़ी बहुत आपको दिखाते हैं, और हम लोग जाएंगे अटल टनल। यस, दिस इज माई फर्स्ट टाइम गोइंग टू अटल टनल, so I'm pretty excited man. चलो दिखाते हैं मनाली आपको। ये जो टर्निंग्स आ गए हैं, इसका मतलब हम लोग ऑल्टीट्यूड गेन करने वाले। अटल टनल बनने से पहले हम लोग इसी रोड पकड़ के रोहतांग पास जा रहे थे,
लेकिन जाते थे, लेकिन अभी देखते हैं कहाँ से वो रोहतांग टनल और रोहतांग पास और अटल टनल का डाइवर्शन कहाँ से है, वो इस बार फर्स्ट टाइम देखेंगे। लास्ट टाइम में था नीचे इन्हीं किसी होटल में से एक, जहाँ पे एक लोहा का पुल क्रॉस करके जाना पड़ता था, बट देन वहाँ पे बाइक से जाएंगे, गाड़ी वहाँ पे नहीं जाएंगे, सो दैट इज वन बिग इशू। और नज़ारे का देखो बाएं तरफ आपके, कितना मस्त नज़ारे, कितना मस्त वैलीज है। ठीक है, वैसे रोहतांग पास होके जाते तो उसका सीनरी कुछ अलग ही होता, लेकिन ये भी कम क्या है भाई। मैं आसपास ये भी एक्टिविटीज देख रहा हूँ ना, मतलब कितनी बार हम सोचे हैं कि मनाली आके फिर ये एटीवी ज़िपलाइनिंग वगैरह ये सब करना है, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि मनाली में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मनाली का और आगे रहता है। तो एक्चुअली मैं मनाली, गैंगटॉक ऐसी जगह आज तक एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो एक दिन करेंगे बुढ़ापे में शायद। मनाली तो इट्सेल्फ खुद एक बहुत ही हसीन जगह है, जहाँ पे आप फैमिली लेके कुछ दिन बिता के आराम से रह सकते हो और हसीन हिमालयस और उनका सीनरी का मज़ा उठा सकते हो। इनफैक्ट वर्क फ्रॉम माउंटेंस का एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन भी है मनाली, लेकिन इस ट्रिप में चाहिए था एडवेंचर। और मनाली के आसपास एडवेंचरस स्पॉट्स तो है ही है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में था कुछ और ही भाई साहब, कुछ एक ऐसी हसीन रिमोट जगह जहाँ पे ऑफ रोड और एडवेंचर के नाम से खून खौल उठता है। सो इतनी हसीन सीनरी के बीच में रह के भी आगे के दिन और उनके नज़ारे देखने के लिए मन तरस रहा था। हम लोग अभी हैं एकदम अटल टनल रोहतांग के सामने, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी एंटरिंग। जिंदगी के कुछ हसीन पल में से है ये। मतलब चेहरे का मुस्कुराहट भी कम है। चलो आप खुद बजा लेते हैं, ऐसे ही चलेगा काफी देर तक ना। मतलब लास्ट टाइम 2017 से अभी जब मैं यहाँ पे आया, अटल टनल वॉज रियली जस्ट राइट नाउ वॉज रियली ए बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। ऐसे ही सिमिलर टनल चिनानी नर्सरी वाला टनल है, वो भी मस्त है, लेकिन वहाँ पे एग्जॉस्ट मतलब पता नहीं फ्यूम्स ज़्यादा होगा रखा है। ये इतना बढ़िया टनल है, देयर आर नो फ्यूम्स एट ऑल। हम इसी खिड़की को खोल के हम लोग चला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो अटल टनल है चिनानी नर्सरी में अचानक से लाइट आया था, मतलब ब्लैक टनल से ब्लैक टनल अचानक से आपको बर्न्स योर आइज़ ऐसा लगता है। और यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से बना हुआ है, धीरे धीरे लाइट जलाते हैं, यू नो आर्टिफिशियल लाइटिंग से, देन यू गेट इन द टनल, मतलब कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस टनल इज ऑन कटिंग एज इंटरनेशनल लेवल, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। बहुत मजा आया, एंड वंस अगेन रियली शोना आई मिस यू ए लॉट मैन, आई मिस यू ए लॉट। I did a
triple digit speed run with a local, I don't know what the fuck it was. It was like a matador, and I overtook it. It overtook me. I did it again. That motherfucker gave up. He said, "Damn, man, you a champ." And then I rode like crazy, like Valentino Rossi going through the corners. But this ill-fitting helmet, it kills me, man. I can't breathe. Black Lives Matter. Last up now. How do you feel riding the bike, man? I'm gonna fuck up everything. आगे ही तुम्हारा देश है या तालिबानी ही तुम्हारा साथ तुमको आगे ही ड्रॉप कर देंगे हम लोग थोड़ा सा जाके जाते क्या ना खलीली वसत अफगान सुपर खास अमरीकी पुत्र और यहाँ पे दीप बिजी है रील्स बनाते हुए दी रील गाय हॉल्ट्स और स्टॉप्स तो मल्टीपल हो रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत चाय पीना है 3 बज चुका है इसके बाद हम लोगों को रुकने का मौका नहीं मिलेगा तो हम लोगों को सीधा जिस्पा जाना ही है चल चल टॉयलेट तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन सीधा जिस्पा जाएंगे किसी के लिए रुक नहीं पाएंगे इसके बाद ऐसा ही चलेगा सीधा जिस्पा ठंडी होके टाइम हो रहा है अभी 3:18 PM और हम लोग अभी सिस्सू से निकल के थोड़ा बहुत चाय वाय पी के हम लोग जा रहे हैं तांडी की तरफ विच इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप अभी देखो ये रोड तो इतनी खूबसूरत है ना सुबह सुबह अगर हम लोग निकलते हम लोग बहुत आराम से फोटो खींचते हुए चाय पीते हुए आराम से जा पाते बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू जिस्पा विच इज़ अराउंड ओनली 95 किलोमीटर जो कि 2 घंटे में पहुँच जाना चाहिए ठीक है लेकिन अभी जिस टाइम हो रहा है हम लोग कैंपिंग करेंगे कैंपिंग का नंबर 1 रूल है कि आपको डे लाइट रहते हुए पहुंचना चाहिए ठीक है तो तांडी अभी भी 15 किलोमीटर है अभी माइलस्टोन क्रॉस हुआ 15 किलोमीटर का और हम देखते हैं हम लोग जल्दी से तांडी में रिफिल करके कैंप सेटअप करने का कोशिश करेंगे दैट्स आवर मेन टारगेट नाउ दैट्स अबाउट इट वादिया देखो वादिया एंजॉय इट भाई साहब दिस इज दी लास्ट पेट्रोल पंप अभी फुटेज कंपेयर करके दिखाते हैं आपको 2017 में जब मैं आया था ये पीछे वाला पूरा मिट्टी जैसा था ये सब कुछ था ही नहीं मतलब सिर्फ दो मतलब ये ऐसी पेट्रोल और डीजल का दो जगह था बस और कुछ नहीं था ये सिर्फ शेड वेड कुछ नहीं था और वहाँ पे वो मोस्ट फेमस बोट है आगे जाकर दिखाते हैं दी लास्ट पेट्रोल पंप ऑन दिस रूट इज आफ्टर 350 किलोमीटर्स तो कुछ ऐसा है अभी काफ़ी चेंज हो चुका है जैसे आप देख पा रहे हो तो चलो जी टांडी में भरवाते हैं वो देखो वहाँ पे जो बोर्ड है व्हेन आई गो देयर आई विल शो यू दैट बोर्ड नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन 365 किलोमीटर्स अहेड जो कि है कारू में सो हम लोग तो इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं दारचा होके हम लोग लेफ्ट ले लेंगे सो दैट्स अबाउट इट बाकी सब लोग बाइक्स पे पेट्रोल भरा रहे हैं यहाँ पे You see our Mahindras, Mojo, Dominar और वहाँ पे अंकित का SUV but Ankit is heading towards Leh. आज is the today's only day when we are traveling with him. इसके बाद we'll be meeting maybe after Srinagar. Chandraji, one living life. This is called vlog section. Yeah.